देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर गुरु गोविंद सिंह प्रकाशोत्सव शोभा यात्रा का राष्ट्र चेतना मिशन ने किया भव्य स्वागत। झांकी व अखाड़ों का सम्मान किया गया। नगर में सिख समाज द्वारा आयोजित गुरु गोविंद सिंह महाराज के 356वें प्रकाशोत्सव शोभा यात्रा का सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन द्वारा अंसारी रोड चौराहा मार्केट में शिविर लगाकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शारीरिक प्रदर्शन कर रहे अखाड़ों झांकियों नगर कीर्तन मंडली और आयोजकों को भारत माता का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। खालसा पंथ के संस्थापक दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस बार भी नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान सामाजिक राष्ट्र चेतना मिशन के कार्यकर्ताओं ने अंसारी रोड मार्केट में स्वागत शिविर लगाकर झांकियों को बैंड बाजे शारीरिक प्रदर्शन कर रहे अखाड़े नगर कीर्तन मंडली आयोजन कमेटी एवं गुरु ग्रंथ साहिब पालकी आदि का पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सभी को भारत माता का चित्र भेंट कर अभिनंदन भी किया। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक सीए मनीष मांगलिक, अध्यक्ष हेमंत सिंह, सचिव स्वदेश चौधरी, कोषाध्यक्ष उमेश कुमार, उपाध्यक्ष कपिल राणा, जिला संयोजक गौरी शंकर राजपूत, व्यापारी सुरक्षा फोरम के जिला महामंत्री अनुज अग्रवाल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सवीर सिंह, वाल्मीकि समाज खुर्जा के प्रमुख सोनी प्रधान, आचार्य कृष्ण मिश्रा, विकास सिंह रविपाल, दुर्गेश गोयल, दीपक सोपात, अमित कुमार, मनीष कुमार, शुभांकर मांगलिक, नरेंद्र सिंह, विक्की गुर्जर, सुरेंद्र सिंह, अरुण कुमार, रवि वाल्मीकि, नितिन अग्रवाल आदि दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। बुलंदशहर से वसीम खान की रिपोर्ट।